तो पेरिस में दुनिया के होश उड़ाने के बाद बढ़ते हैं अपनी कहानी में आगे, और जिन्हें नहीं पता कि पेरिस में क्या हुआ था उनके लिए लिंक पिन कमेंट में दिया गया है। पेरिस की घटना के बाद वहां पर आकर इकट्ठा हुए अलग अलग देशों के इन्वेंटर्स और इंजीनियर्स ने शुरू कर दी दौड़। किस चीज की? हेलीकॉप्टर्स बनाने की। आइए दिखाता हूं उनके कुछ डिजाइन। अब आप पूछोगे, विज्ञान भाई ये बताओ क्या इनमें से कोई हेलीकॉप्टर उड़ा? तो देखो, उड़ा तो नहीं, और उसका कारण भी बताऊंगा। हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए चाहिए था हल्का और पावरफुल इंजन, जो उस समय था ही नहीं, क्योंकि ये तब की बात है जब सिर्फ स्टीम इंजन ही आए थे। अभी तेल से चलने वाले इंजन बनने बाकी थे। तो क्या किसी ने स्टीम इंजन से उड़ाने की कोशिश नहीं की? ऐसा कैसे हो सकता है कि इंजीनियर कोशिश ना करे? इंजीनियर्स कभी हार नहीं मानते। फुराए, पोंटून, टमाको और पॉलिनिनी, नाम याद रखिएगा। इतिहास में महान लोगों को उनके हिस्से का सम्मान मिलना ही चाहिए, और इन्हें भी मिला, खूब मिला। ये है इनके नाम पर रखा गया हेलीकॉप्टर, पोंटून और पॉलिनिनी। अब सवाल आता है कि क्या इनका हेलीकॉप्टर उड़ा? नहीं, वो भी नहीं उड़ा। तो इन्होंने ऐसा क्या किया, वो बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। अब सवाल, पानी पे लैंड करने वाले हेलीकॉप्टर्स को क्या कहते हैं?